इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। तो कुछ दिन पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। उसमें कुछ हदीसें ऐसी हैं, यानी जो प्रॉफिट की सेंग्स बताई जाती हैं उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन हदीसों को हटा देना चाहिए। बिल्कुल, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इस्लाम में, इस्लाम एज अ रिलीजन, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको कि हमें दोबारा से देखने की ज़रूरत है, जिनको हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए। और उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि हदीसें ऐसी हैं जो हदीस के ऊपर बात होती है कि जी प्रॉफिट ने ये कहा, प्रॉफिट ने वो कहा, उसमें बहुत कुछ जो है वो अपनी तरफ से गढ़ी हुई बातें, अपनी तरफ से, जैसे अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं। और मुझे नहीं ख्याल कि वो सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं वो प्रॉफिट ने कही हैं, इसलिए कि वो आज के ज़माने का दूसरा, आज के ज़माने के साथ वो बातें मैच नहीं करती। वो जैसा कि MBS ने कहा कि वो बातें, उन्होंने भी कहा कि वो बातें उस ज़माने की थी, उस टाइम के साथ थी जब ये कही गई थी। वक्त के साथ बातें चेंज हो जाती हैं और हमारा जो कुछ भी एक्शन होता है और जो कुछ स्टडीज होती हैं उसकी वजह से हमें वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस टाइम पर थीं और इस वक्त वो चीज़ें हम नहीं समझते कि अभी भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर चलना चाहिए। तो बिल्कुल, इस्लाम में ये जो बातें करते हैं ना, ये जिहाद की और जी इसको उड़ा दो और उधर जाके फट जाओ और उसको मार दो और जन्नत और दोजख का जो एक हमें कहानी सुनाई जाती है, उसको मैं कहानी ही कहूँगी, वो उसको लेकर जो आगे चलते हैं और फिर तरह तरह के, इस्लाम ने ये कहा है, इस्लाम ने वो कहा है, प्रॉफिट ने ये बताया, प्रॉफिट ने वो बताया, उस चीज़ का ना तो उनके पास कोई सबूत है, और फ़र्ज करें अगर वो सबूत हो भी इनके पास तो वो उस ज़माने की बातें थी। अब इस वक्त 2021 में वो चीज़ें, वो बातें जो हैं इस वक्त यहाँ पे नहीं हो सकती। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा जहालत है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुल्ला माफिया है जो हर वक्त इसी तरह की बातें करते रहते हैं और इसी तरह की चीज़ें जो है वो बताते रहते हैं। मैं एक बात और आपको बताती चलूँ, भारत का हो सकता है कुछ फिगर्स आगे पीछे कुछ गलत भी हो गए हों तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो मुझे इंटरनेट से यानी जो डिटेल्स मिली वो मैं बता रही हूँ कि भारत का जो एजुकेशन का बजट है वो 94,800 करोड़ है। हो सकता है ज्यादा हो, सकता है कम हो, ठीक है। तो आप लोग एकदम से इमोशनल हो के ना नीचे मैसेजेस करना ना शुरू कर दिएगा, मैं ये बता रही हूँ कि आसपास ही होगा इसके, ठीक है ना। और पाकिस्तान का जो है वो बजट जो है वो सिर्फ 30 बिलियन रुपीज है, जबकि भारत का मैंने आपको जैसे कब बताया कि 94,800 करोड़ है। अब इसीलिए भारत में जो है, जहां से भारत से जो लोग पढ़ लिख कर निकलते हैं वो गूगल के और डिफरेंट बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के CEO बन जाते हैं, और पाकिस्तान से जो लोग निकलते हैं वो भला क्या बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो जी बन जाते हैं जैद हामिद। ये जैद हामिद साहब ने अपनी एक पिक्चर लगाई है और इसमें वो मुझे एक जहनी मरीज, एक से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है इनका दिमाग खराब है और ये कंप्लीटली पागल हो चुके हैं और इनके ऊपर अब मेरे ख्याल है कोई ट्रीटमेंट भी असर नहीं करेगा इनके दिमाग पे। इन्होंने अपनी ये पिक्चर सोशल मीडिया पे रिसेंटली शेयर की है और इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जी ये वो गजवाए हिंद और वो इस तरह की कोई हरकत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरा तो ख्याल है इनको कहीं कोने में जाके ना, जहाँ कोई ना, फट जाना चाहिए।
एक बार आदर्श कावस जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट आदर्श कावस जी हुआ करते थे कराची में, पारसी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थे, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और ये बड़ा मुझे प्रिविलेज रहा कि मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई, और जब मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया, बहुत बार करेक्शन की। तो उन्होंने एक बार कहा कि कभी कभी इंसान का दिल चाहता है, इतना परेशान हो जाता है, कहते हैं उसका दिल करता है वो कहीं वो फट जाए बस, तो कहते हैं उनको चाहिए कि वो कोने में जाएं और जहां कोई ना हो, दूर दूर तक कोई ना हो, वहां जाके उनको चाहिए कि वो फट जाए। लेकिन दूसरों को साथ लेके फटने का जो तरीका है वो बहुत गलत है। तो बिल्कुल जैद हामिद साहब की पिक्चर भी आपको एक जनूनी और एक पागल इंसान की पिक्चर आपको लगती होगी, और मुझे भी लग रही है। इस तरह के जनूनी और पागल जो हैं वो पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, मतलब आप एक ढूंढे आपको हजार मिलेंगे। तो इसी तरह तरह के आप जलसे जुलूस और जो रैलीज आप देखते हैं उसमें भी निकलते रहते हैं, कभी खत्मे नबूवत के नाम पर, कभी कुछ और करके हर वक्त। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान वही करे जो सऊदी अरब। यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइस, किसी चीज़ को लर्न करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ की आदत या किसी चीज़ को आप सीख गए और फिर उस चीज़ को आपको भुलाना है, वो चीज़ अपनी आदत से निकालनी है, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होगी। ये मैंने डायलॉग इसलिए मारा है, ये डायलॉग मारने का केवल यही मतलब था कि आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर MBS या सऊदी अरेबिया आप कुरान हदीस की वो आयत या जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं जो कि आज के मॉडर्न ज़माने में सूट नहीं करती हैं, मॉडर्न ज़माने में जो दूसरे धर्म हैं उनको मतलब वो सूट नहीं करती, उनके खिलाफ हैं, तो उस हिसाब से अगर वो आज अनलर्न करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम, तो वो इम्पॉसिबल है, क्वाइट टू इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आज हटाएंगे, पहली बात तो इंडिया में हटनी नहीं है ये, सऊदी अरेबिया हटा भी देगा तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान मानने ही वाले नहीं है, वो चीज़ें मानेंगे नहीं। और अगर ये चीज़ होंगी भी तो भारत में 100-200 साल बाद शायद वो हट पाएँ, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ। तो गाइज़, आपको पता होगा दुनिया की आधी मुस्लिम आबादी भारत पाकिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो ब्रिटिश इंडिया है, पुराना जो अखंड भारत है, उसमें रहती है। आपको पता होगा भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगर मुसलमानों को आप काउंट करें तो लगभग लगभग यहाँ पे 70-80 करोड़ मुसलमान होते हैं। भारत में भी बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान के सेंसस बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं। पाकिस्तान में सेंसस जो जनसंख्या है वो कराची के लोग कहते हैं कि कराची का मतलब सेंसस का इतना मतलब मुहाजरों की आबादी ज़्यादा ना दिखाई जाए, ये इतने हो जाएंगे तो अलग सूबा मांगेंगे, बहुत कॉन्ट्रोवर्शी रहती है वहाँ पर। तो गाइज, मतलब सऊदी अरेबिया अगर ये कदम उठाता है तो इसका रिएक्शन मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी तक। हालांकि एक चीज़ है कि सऊदी अरेबिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान काफ़ी नफरत करते हैं, इनका झुकाव टर्की की ओर रहता है। आप अगर सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हो, और अगर आप मुस्लिम जो मौलाना हैं या मुस्लिम जो यूट्यूब चैनल उनके नीचे जाओगे तो सऊदी अरेबिया को बेसिकली ये लोग काफिर कहते हैं, और कुछ हदीस वगैरह कोट करके बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया फिर से मूर्ति पूजक बन जाएंगे, मतलब इस तरीके का ये दावा करते हैं। स्पेशली पाकिस्तान के जैद हामिद जैसे लोग ही कहते हैं कि सऊदी अरेबिया कुफ्र करेगा, मतलब कुफ्र बन जाएगा, इस तरीके की बातें करते हैं ये लोग। तो अब ठीक है, सऊदी अरेबिया को जैसा करना है उनका देश है वो करें, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान तो कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन ये चीज़ है कि MBS जो चीज़ें कर रहे हैं 2030 विज़न के तहत, उन्होंने रामायण और महाभारत को भी अपने सिलेबस में ऐड किया है, स्कूल के सिलेबस में, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। भले वो सब्जेक्ट्स कंपलसरी रहे या ना रहे वहाँ के लोगों के लिए, ये एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम दुनिया का मतलब मुस्लिम देश जहाँ से एक्चुअली में इस्लाम की शुरुआत हुई थी वो देश ऐसा कर रहा है। ये तो मतलब भारत के अलावा, अगर आप भारत के जो पड़ोसी देश हैं जहाँ पर, वहाँ पर तो नामुमकिन सी चीज़ है। तो दोस्तों, अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। हालांकि जो आरजू काजमी कह रही हैं, इनके मतलब अगर इनके जो सपोर्ट में अगर पाकिस्तान में ही ऐसी बातें इन्होंने की हैं इस वीडियो में कि इनका मतलब ब्लैसमी का मतलब ईश निंदा का इनके ऊपर केस बनता है और इनकी इनका सर तन से जुदा होना बनता है पाकिस्तान के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ ये सुरक्षित रहें और जो इन चीज़ों से मतलब होने वाली कंट्रोवर्सी से इनको कुछ होना।